कोयटा से खबर, जहां मगरबी बाईपास पर सेनेटर मंजूर काकड़ के भाई नसीर खान काकड़ पर हमला किया गया है, उन्हें एक गोली लगी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, बताइएगा उनकी हालत कैसी है? जी, जो हमारी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है कि खेजी शॉप के करीब बाईपास एरिया है, मगरबी बाईपास का, वहाँ नसीर खान काकड़ की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो और उनका साथी जख्मी हुए हैं। उन्हें एक गोली लगी है जबकि उनके साथी को दो गोलियां लगी हैं और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। डीआईजी कोयटा ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि उन्हें फौरी तौर पर बीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, वहां से अब उन्हें ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें मजीद तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। वाकये के हवाले से उनका कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अभी तक कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरेगा तो मजीद तफसीलात वो बता पाएंगे कि आया वाकया किस चीज का शाखसाना था। जी, बहुत शुक्रिया सलमान आपका।